फिर से कहूंगी कि भोजपुरी बातें देखने वाले सभी दर्शकों को मैं फिर से प्रणाम करती हूं, लव यू ऑल, मेरे प्यारे दर्शकों के लिए लव यू, और ये छोटी सी पप्पी आप सभी के लिए। मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, जितने भी दर्शक हैं हमारे भोजपुरी बातें देखने वाले सबको प्रणाम करती हूँ, पैर लगती हूँ। आज आप लोकेशन पे हैं, इतना हरा भरा जंगल है जो दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? जी हाँ, अभी हम लोग दुलरवा के सेट पर हैं, यहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं, फिल्म का नाम है दुलरवा और इनके डायरेक्टर हैं चंदन सिंह जी, प्रोड्यूस बाय रमेश सिंह जी, इस फिल्म के राइटर हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी यानी कि बैरागी बाबा, और इस फिल्म में मेरे को एक्टर हैं छोटू पांडे जी। छोटू पांडे जी दुलरवा हैं घर के, तो आपका क्या रोल रहेगा इस फिल्म के अंदर? जी जाहिर सी बात है, हीरो की तो हीरोइन ही रहेगी ना, वो दुलरवा है तो हम ही दुलराइन है, क्या कहते हैं दुलारी हैं। किस तरह का है, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे? जी हाँ, ये जैसे कि टाइटल है दुलरवा, ठीक है, दुलरवा, तो इसकी जो स्टोरी है बहुत ही पारिवारिक है। इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ बैठ के हम सब लोग देख सकते हैं, और एक इसमें बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाएगा मेरे प्यारे दर्शकों के लिए, जो माई बाबूजी के लिए होता है, रिश्तों के लिए होता है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए आप सब, और फिल्म जल्दी से शूट हो जाए और आप सबके बीच आए, आप सब देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जी मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि फिल्में होती हैं हर तरह की होती हैं, कुछ कॉमेडी होती हैं, कुछ फाइटिंग ज़्यादा होती हैं, कुछ रोमांटिक ज़्यादा होती हैं, और कुछ तो इतनी अच्छी होती हैं कि उसमें सब पूरी फैमिली पूरे पारिवारिक फिल्म होती हैं, जो कि मैं बहुत दिल से पसंद करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ऐसे ही एक्ट को करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मुझे पारिवारिक और इनोसेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मैं आज जिस लुक पे दिख रही हूँ इसी को मैं जीना चाहती हूँ, और मैं इस आउटफिट में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ तो मुझे साड़ी एंड ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज इस लुक में जो आप शूट कर रही हैं, तो आज का ये सीन साड़ी में है। जी, तो क्या सीन फिल्माया है आपने? अभी मैं सीन नहीं बता दूंगी पूरा, अगर बता दूंगी तो फिर देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत बताऊंगी। अट्रैक्शन जो होता है वही सीन है, रोमांस है छोटा सा। इसके अलावा किस-किस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? जी हाँ, मैं अभी तो दुलरवा कर रही हूँ, इसके पहले मैंने किया है हमार भौजी की बहिनियाँ, जिनके डायरेक्टर हैं समीर सिंह जी हैं, और प्रोड्यूस बाय भी समीर सिंह जी हैं, जो कि मैं बलिया में शूट करके आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने दुलरवा को साइन किया, दुलरवा कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं बनारस जा रही हूँ 5 को, वहाँ शूट करूँगी, फिल्म का नाम है बेबस। तो बस बैक टू बैक कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आई है नई रस्में नई कस्में नकली सिंदूर, सुहागन मैंने किया है समर सिंह जी के साथ, प्रेम युद्ध किया है गौरव जी के साथ, हंगामा भैल प्यार में छोटू जी के साथ किया है, जो अभी इस फिल्म में मेरे को एक्टर हैं। तो मैं बस ऑडियंस से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए खूब सारा, और बस आगे बढ़ाइए हमें, लव यू ऑल। जी, अच्छा कौन सबसे अच्छा लगता है? अच्छे तो मुझे सब लगते हैं, और रही बात जिन जिन लोगों के साथ हम काम किए हैं और जिनके साथ नहीं किए हैं, तो उसमें से रह जाते हैं पवन जी, केसारी जी, फिर दिनेश जी, और अम्रपाली जी, काजल जी,
ऐसे कलाकार रह जाते, बट कोई बात नहीं, सब खुश हैं। मैं अभी भी जो कर रही हूँ जिनके भी साथ, चाहे वो न्यू कलाकार के साथ मैं काम कर रही हूँ या चाहे अपने सीनियर के साथ कर रही हूँ, मैं दिल से उस एक्ट को जीती हूँ और दिल से मैं काम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि हम इनके साथ काम नहीं किए तो हमें इनसे कोई शिकायत है, बट नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली, हाँ, अगर इन फ्यूचर ऐसे काम मिला तो क्यों नहीं करेंगे, काम ही तो हमारा पूजा है। जी चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का फसाद, झगड़े, लड़ाई आपस में बड़े सेलिब्रिटीज में चल रहे हैं, उस पे आपके कुछ कमेंट रहेगा? देखिए, हम तो क्या कहें, क्योंकि कभी पर्सनली हमारी बात नहीं हुई है और मैं पर्सनली कभी उन लोगों के झगड़ों को मैं नहीं जानती हूँ, बट एक एज अ इंसान एक यही कहूँगी कि झगड़ा ना किया जाए, मिल के रहा जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है नोकझोंक तो उसे जल्दी से सुलझा लिया जाए, फिर से एक हो जाइए, मैं यही कहूँगी, बस झगड़ा ना करें, क्योंकि हमारी जोड़ी को ऑडियंस इतना प्यार देता है, यहाँ तक लाता है, फिर सडनली ऐसे कुछ बातों की वजह से जोड़ियाँ अलग हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी भी फेवरेट जोड़ियाँ रही हैं। मतलब आप तो सीधा सीधा बोलती हैं कि सारी चीज़ें जोड़ी जो है बहुत फेवरेट है आपकी। एग्जैक्टली, राइट 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 राइट, जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, नाम कैसे लूँ, जी ठीक है, हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप सब जो भी छोटी मोटी बातें हैं उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो आप दूर करिए और एक हो जाइए आप सब, क्योंकि ऑडियंस चाहती है फिर से दोबारा देखें, ऑडियंस तो कभी नहीं चाहेगी कि हम अलग अलग देखें, जोड़ी तो ऑडियंस ही बनाती है क्योंकि हम पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी भी फेवरेट जोड़ी है इंडस्ट्री में। आपकी तरफ से कोई सुझाव रहेगा जो भोजपुरी सिनेमा के दर्शक हैं उनके लिए और भोजपुरी सिनेमा के लोगों के लिए, किस तरह का काम किया जाए, कैसे काम देखा जाए, कैसा काम पसंद किया जाए? जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भोजपुरी में काफ़ी पारिवारिक फिल्में आ रही हैं, यानी कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग ऑडियंस हैं, जैसे कि मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, जो लोग हमारे यूपी बिहार से हैं तो देखते हैं पारिवारिक फिल्में, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से हमारे ऑडियंस अब फ़िलहाल पारिवारिक फिल्म को पसंद कर रही हैं तो इसी तरह बैक टू बैक फिल्में आएँ। हमारी भोजपुरी कल भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है और आजीवन यहीं रहेगी। मैं उन लोगों से कहूँगी कि हमारे भोजपुरी को जो लोग कहते हैं कि नॉट गुड, ऐसा है वैसा है, तो मैं यही कहूँगी कि जो इंसान अच्छा व्यक्ति होगा ना, वो हमारे भोजपुरी का छवि ख़राब नहीं करेगा, जो समझदार व्यक्ति होगा वो कभी भी हमारे भोजपुरी को ख़राब नहीं करेगा, जो ना समझ होगा वही हमारे भोजपुरी को गिरा सकता है, लेकिन उसके भी गिराने से कुछ नहीं होगा, वो एक है तो हम हज़ार हैं। आज की बात कर लेते हैं दुलरुआ की, तो आपके दुलरुआ हीरो हैं जी, कैसे लगे आपको और आज सेट जो कॉन्सेप्ट बना है? जी 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 जी, छोटू पांडे जी तो नो डाउट बहुत अच्छे इंसान हैं, बाय हार्ट, बाय नेचर, सब कुछ, क्योंकि मैंने पहले भी उनके साथ एक फिल्म कर चुकी हूँ, वो है हंगामा, एज अ लीड उनके साथ किया है, ये उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसीलिए ना, क्योंकि हम पहली बार जब किसी अननोन इंसान के साथ हम काम करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, राइट, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट एक फिल्म हो गया ना तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई मैं इन्हें डायलॉग्स कैसे डिलीवरी करूं या वो मुझे कब किस टाइम पे मुझे डायलॉग्स बोलेंगे और कब मैं उसे पकड़ूं और कब मैं अपना एक्शन का रिएक्शन दूं उन्हें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय करके मैं शूट कर रही हूं। बस अपने प्यारे दर्शकों से यही कहूंगी कि प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हमें और हमारी टीम को, और ये फिल्म आए तो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखने जाइएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को फिर से कहूंगा, सॉरी मैं चुई। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।